हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं आपको एक ऐसे फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ, एक्चुअली मैं उसका डेमो देने वाली हूँ जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैंने पोनी की हुई है। अगर आपको जल्दबाजी में कहीं जाना हो और आपको जल्दी से अपना जो फेस है उसका बेस इवन लगाना हो और आपकी स्किन हो ऑयली, तो आपके लिए ही है ये वीडियो। ये है लैक्मे एब्सोल्यूट मूज फाउंडेशन का डेमो वीडियो। और इस वक्त मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है, आई मेकअप कर लिया है एंड मैं इस फाउंडेशन को आपको लगाकर दिखाने वाली हूँ। दिस इज़ द शेड नंबर 1 आइवरी फेयर एंड 750 रुपीज़ का आता है ये। तो ये दिखने में आपको बहुत कम लग रहा होगा लेकिन ये बहुत चलता है, बहुत ज़रा सा अमाउंट इसका, ज़रा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है एंड मैंने ये ले लिया है। और इस तरीके से डॉट 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 करके मैं पूरे फेस पर पहले इसको लगा लूँगी, उसके बाद इसको आपको किसी ब्रश से नहीं लगाना है। और अगर आप अपनी कार में भी हैं तभी भी आप इससे अपना फेस का टचअप कर सकती हैं, फेस का बेस लगा सकती हैं। और इसको लगाने के बाद आपको किसी फालतू कॉम्पैक्ट को भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये एक पाउडर बेस फाउंडेशन है, जिस वजह से आपको बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस लुक मिलेगा एंड इसके अंदर सिलिकन पार्टिकल है जिसकी वजह से आपको बहुत ही इवन बहुत ही फ्लॉलेस लुक मिलता है। और जिनको ओपन पोर की समस्या है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है और इवन कर देता है फाइन लाइन्स में, अच्छे से इवन करता है फाइन लाइन्स को भी। तो ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है समर्स के लिए, विंटर्स के लिए। मैं तो इसे हमेशा, ये मेरा फेवरेट है एंड आई डोंट नो मैंने इसको कितनी बार जो है वो रीपर्चेज किया है। सो ये ट्रैवलिंग में कुछ हो ना हो मेरे साथ, लेकिन हमेशा मेरा मूज फाउंडेशन साथ में होता है और एकदम मक्खन की तरह मैजिकली एकदम, मतलब आप जब इसको इस तरीके से ब्लेंड करेंगे परफेक्टली ये इस तरीके से ब्लेंड हो जाएगा एंड आपका लुक जो है वो रेडी हो जाता है। और जिनको डार्क सर्कल है वो लोग इसको रीअप्लाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जिन्हें कंसीलर पसंद है वो कंसीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सच, मुझे कंसीलर नहीं पसंद है। मुझे दो चीज़ें फेस पर बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तो मॉइस्चराइज़र एंड देन मूज फाउंडेशन। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मूज फाउंडेशन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये देख रहे हैं आप, इवनली मेरी स्किन में बैठ गया है एंड मैंने कोई प्राइमर भी नहीं लगाया, तो एज सच प्राइमर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और मीडियम कवरेज देता है। और अगर आप पार्टी में भी यूज़ कर रहे हो तो बुरा नहीं है क्योंकि मैंने तो बहुत सारी वेडिंग्स में इसका यूज़ किया है विदाउट एनी कॉम्पैक्ट एंड इट्स जस्ट ऑसम। और अगर आपके बहुत ज़्यादा टी जोन एरिया ऑयली है देन आप फिर कोई सिलिकन प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। लैक्मे एब्सोल्यूट का जेल प्राइमर आ गया है, आप तो आप वो यूज़ कर सकते हो। लोटस में आता है, कलबार में आता है, बहुत सारे ब्रांड हैं जिनमें सिलिकन प्राइमर आते हैं, फेसेस का यूज़ कर सकते हो। सो आप देख रहे हैं इसने बिल्कुल इवन लुक दे दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा किनारे किनारे रह गया तो उसको आप जो है वो हल्का सा इस तरीके से पोंछ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइक आज बहुत गर्मी है और बस इस तरीके से, तो ये डन हो गया है एंड कहीं से भी अनइवन नहीं लग रहा है। और आप अपने लिए शेड चुन सकते हैं, इसमें 6 शेड आते हैं। और इसका रिव्यू मैंने एक दो बार नहीं, कई बार दिया है, कंपैरिजन रिव्यू भी किए हैं, लेकिन डेमो मैं आज दे रही हूँ। और आप इसके साथ बस सिंपल सा कोई भी लिप बाम या लिपस्टिक लगा करके बाहर निकल सकते हो। जी हाँ, और ऐसा कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की ज़रूरत है नहीं फेस पर। और बहुत ज़्यादा हद तक ये पसीना भी रोकता है एंड सबसे बेस्ट चीज़ इसकी यही है कि ये ऑल डे स्टे करने के बाद भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। वैसे तो इस पर लिखा है कि ये 16 घंटे रहता है, बट नहीं, ये 12 से 14 घंटे आराम से फेस पे टिकता है, उसके बाद तो ख़राब होने लगता है। तो ऑल डे के लिए आपको अगर ये चाहिए या फुल नाइट पार्टी के लिए भी आप ये यूज़ कर रहे हो, सो ये है बहुत अच्छा प्रोडक्ट। एंड इस वक्त जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पे फ़ैन एसी बिल्कुल बंद है, तो तभी भी हल्का फुल्का जो पसीना आ रहा है वो स्किन के नहीं आ रहा है और स्किन में, क्योंकि
ये एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर है, तो कहीं ना कहीं ये स्वेट प्रूफ फाउंडेशन है, सॉरी मैं ये बोल रही थी, प्राइमर। सो ओवरऑल मैं इसको 100 में 100 मार्क दूंगी और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी ये फाउंडेशन। अगर आपने लैक्मे का एब्सोल्यूट मूज फाउंडेशन ट्राई नहीं किया है तो आपको ये फाउंडेशन एक बार ट्राई करना बनता है। अगर आपकी स्किन सुपर ऑयली है या नॉर्मल स्किन है तभी भी आप ट्राई कर सकते हो, कॉम्बिनेशन स्किन है तभी भी आप ये ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आप 750 इन्वेस्ट कर सकते हो, इस पे बेस्ट पार्ट ये है कि इस पे 30-40% ऑफ चलता है, आप किसी भी ऑनलाइन साइट से ले सकते हो और मार्केट में भी कभी कभी इस पे ऑफ मिल जाता है तो आप इसे ले सकते हो। एंड एक बार अगर आप ये मूज फाउंडेशन ट्राई करेंगे तो शायद ही आपको कोई और मूज फाउंडेशन पसंद आएगा, बिकॉज आप ये लुक देख रहे हो बिल्कुल मुझे लगता है कि कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही सही फ्लॉलेस बेस आता है डे टाइम के लिए। और अगर आप एवरीडे बाहर निकल रहे हो या आप जॉब करते हो तभी भी, सो दिस इज़ वेरी नाइस प्रोडक्ट एंड ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये डेमो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा ये डेमो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल रारा। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने इसे ना माउंटेन एरिया में भी यूज़ किया था, मतलब सर्दियों में हिल स्टेशंस पे जहाँ ठंड होती है तभी भी इससे स्किन में बिल्कुल पैचीनेस नहीं आती, तब आती है जब आप महीनों अपने फेस पर बिल्कुल स्क्रब नहीं करते हो, मॉइस्चराइज नहीं करते हो और फाउंडेशन के पहले मॉइस्चराइज नहीं करते हो स्किन को। बहुत सारे लोग डायरेक्टली लगा लेते हैं, तो उनको मैं बता दूं आप डायरेक्टली कोई फाउंडेशन ना लगाएं, पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं, फिर आपको इवन लुक मिलेगा, एक फ्लॉलेस जो है वो लुक मिलेगा फाउंडेशन का और आपको खुद ही अंतर समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।